हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो और आपकी प्रिपरेशन भी ठीक चल रही होगी। तो इसी के साथ चलिए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम छापा कला यानी ग्राफिक्स माध्यम के विषय में डिस्कस करेंगे, जो सभी आर्ट एग्ज़ाम के लिए TGT, PGT, नेट, GRF, KVS, NVS, नेट विजुअल आर्ट, सभी जगह ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं बाद में भी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, छापा कला ग्राफिक्स माध्यम। छापा कला ग्राफिक्स माध्यम क्या होता है? तो छापा कला जो है वो प्रागैतिहासिक काल में मानव शैलाश्रयों एवं गुफाओं में रहता था, तथा अपनी अभिव्यक्ति के लिए वह ध्वनि संकेतों का सहारा लेता था। मनुष्य ने अपनी भावनाओं व विचारों को व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम भाषा का ही प्रयोग किया, चाहे वह किसी भी रूप में हो। उसके बाद उस मानव ने अपनी भावनाओं एवं विचारों को सुरक्षित रखने एवं भावी पीढ़ी को संप्रेषित करने के लिए चित्रों, आकृतियों एवं चिन्हों का प्रयोग प्रारंभ किया, और इन चित्रों एवं चिन्हों से ही लिपि का विकास हुआ, जिसके कारण प्रपत्रों एवं पुस्तकों आदि के जरिए विचारों एवं ज्ञान को सुरक्षित रखा जाने लगा। जिसकी पहुँच कम लोगों तक थी, इसको बृहद रूप देने के लिए मुद्रण का आविष्कार किया गया, और कालांतर में विभिन्न मुद्रण विधाओं जैसे उभरी सतह से मुद्रण यानी कि लेटर प्रेस एवं फ्लेस्कोग्राफी, खोदी हुई सतह से मुद्रण इंग्रेविंग एवं ग्रेव्योर, समतल सतह से मुद्रण लिथोग्राफी एवं ऑफसेट, स्टेंसिल एवं स्क्रीन प्रिंटिंग यानी कि सेरीग्राफी जिसे कहते हैं, तथा आधुनिक लेजर तकनीकों से मुद्रण का विकास हुआ। मुद्रण के विकास के साथ साथ कला के माध्यम के रूप में भी इन विधाओं का प्रयोग चित्रकार अपने चित्रों के निर्माण के लिए करते रहे। आप सभी जानते हैं कि छापा कला, मुद्रण का तात्पर्य छपाई से होता है, अर्थात किसी भी सतह पर वैज्ञानिक विधियों युक्तियों के समायोजन द्वारा स्पष्ट और सुनियोजित छाप लेने की क्रिया को ही मुद्रण कहते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम छापा कला के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले, प्रिंटिंग प्रेस की खोज कहाँ हुई? प्रिंटिंग प्रेस की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के विद्वान जॉन गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, विश्व में छापा कला की खोज 6 नवंबर 1771 ईस्वी में एलायस जेन फेल्डर ने सर्वप्रथम चित्रकला यानी ग्राफिक्स में ग्राफिक्स कला या छापा कला की खोज की, जिसे ऑफसेट प्रिंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1664 ईस्वी में मुंबई में भी किया गया था। नेक्स्ट है, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस से छापी गई पहली पुस्तक केटो लिशो डी डॉक्ट्रिन थी। नेक्स्ट है, टाइप मशीन यानी टंकण मशीन की खोज मूवेविलो टाइपो ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में छापा कला की खोज कब की गई? तो भारत में छापा कला की खोज लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना यानी कि 1825 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक छापा प्रेस की स्थापना की गई। इसकी स्थापना दो फ्रांसीसियों ने की, एल बोलनेस और एम शाम्बिनेस ने। नेक्स्ट है, भारत में राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी की स्थापना 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटको पर नामक स्थान पर बड़ौदा रियासत के दीवान सर माधव की मदद से किया था। नेक्स्ट टॉपिक है, लिथोग्राफी की खोज वेरनेनियन ने किया और लिथोग्राफी नाम एच वैक्स ने दिया था। लिथोग्राफी में मिस्तट कागज़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हमने नोट की हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए छापा कला के विभिन्न विधियों को देख लेते हैं। छापा कला के विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है लिथोग्राफी,
लिथोग्राफी शब्द यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लिथो अर्थात पत्थर और ग्राफ का अर्थ होता है लिखना या छापना, अर्थात पत्थर से छापना। इसमें चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। लिथोग्राफी के अंतर्गत पत्थर, एल्यूमिनियम, जस्ता आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ओलियोग्राफी। ओलियो शब्द आयल से बना है जिसका अर्थ तैल होता है। ओलियोग्राफी में पत्थर पर क्रेयान या अन्य तैलीय पदार्थ का प्रयोग करके छपाई की जाती है। तीसरा है ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग जो होता है लिथोग्राफी का ही एक आधुनिक विकसित रूप है। इसमें जस्ते की प्लेट का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार सन 1906 ईस्वी में किया गया था। इस माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक प्रिंट छापे जा सकते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग के माध्यम से। चौथा है स्क्रीन प्रिंटिंग, जिसे सेरीग्राफी भी कहा जाता है। इसको सेरीग्राफी और फोरस सरफेस प्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिल्क, नायलान का महीन कपड़ा प्रयोग किया जाता है जो कपड़े के छिद्रों के आधार पर विभिन्न भिन्न भिन्न होते हैं। प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा नंबर 220 नंबर, 140 नंबर, 80 नंबर और 50 नंबर के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है अक्षर मुद्रण। यह लेटर प्रेस की सबसे पुरानी विधि होती है। इसमें रबर के स्टाम्प मशीन द्वारा छपाई की जाती है। टाइप में वर्णमाला उल्टा खुदा होता है जो किसी कागज पर छापने पर सीधा छपता है। नेक्स्ट है लीनो कट उडकट, ये जिसे उडकट भी कहते हैं, रबर व लकड़ी से। तो लीनो कट से रबर पर चित्र को उभारा जाता है। इसमें लीनो सीट को यांत्रिक औजार के द्वारा खुदाई करके इंक लगाकर छपाई की जाती है। वुडकट में लकड़ी की सतह पर आकृति को टूल्सों के माध्यम से काटकर तथा इंक लगाकर छपाई की जाती है। नेक्स्ट है एचिंग। एचिंग में क्या होता है, इसमें सर्वप्रथम धातु के प्लेट यानी कॉपर को यांत्रिक औजारों से खुदाई करके रंग के माध्यम से छपाई की जाती है। इसमें नाइट्रिक अम्ल तथा नम कागज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि एचिंग में किस कागज का प्रयोग करते हैं, तो नम कागज का प्रयोग किया जाता है। एचिंग के प्राथमिक अंकन को इंटैग्लियो कहते हैं। सेरीग्राफी। सेरीग्राफी में रेशमी कपड़े का प्रयोग छपाई के लिए किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेरीग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग करते हैं, तो या फिर रेशमी कपड़े का प्रयोग किस में करते हैं, तो सेरीग्राफी में करते हैं। इसका प्रचलन 1930 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था तथा भारत में सर्वप्रथम सेरीग्राफी का प्रयोग केजी सुब्रमण्यम ने किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है एक्वा टिंट का प्रयोग स्पेन के गोया ने किया था, जो जल रंग के समान चित्रों में प्रभाव पैदा करते हैं। मेजो टिंट का प्रयोग जोसुआ रोनाल्ड व गेंसवरी ने किया था, जो कोलाज व फ्रोताज की तरह एक विधि है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये छापा कला के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेकर आए थे, जो वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप्स में, जिसको भी आप जानते हैं कि वो आर्ट की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर इसे शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके पहले मैंने चैनल पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डाले हैं, पाश्चात्य कला के भी वीडियो हैं और भारतीय चित्रकला के तत्व, रेखा, रंग, रूप, वर्ण, इन सब पर वीडियो बन चुके हैं और अपलोड किए गए हैं। आप उन सबको देखिए, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।